ये बात पकड़ में नहीं आती। बंदा यही लगा भगवान दिखेंगे कब, भगवान दिखेंगे, भगवान दिखेंगे कब। कई तो हम ही को पूछते हैं आपको भगवान दिखे, कैसे दिखते हैं। मैं ये छोड़ो कि हमको कैसे दिखते हैं, सवाल ये कि क्या तुमको देखना है। और नहीं जी अभी तुम बड़े बिजी हैं, अभी तो हमारे पास समय ही नहीं है, ड्यूटी पे जाते हैं, बच्चे पालने। जब हम रिटायर हो जाएंगे ना, आपकी ये लाइन बड़ी अच्छी लाइन, वाह वाह आपकी लाइन बड़ी अच्छी, आएंगे तो हम भी आपकी लाइन में, पर अभी हम बहुत बिजी हैं। बुद्धि कहाँ लगी पड़ी, संसार में फंसे पड़े हैं। भगवान की जरूरत ही कोई नहीं। देखिए मन को चाहिए आनंद, आनंद वो विषय और भोग में ले लेते, चाहे थोड़ा थोड़ा सही, कभी कभी सही मिलता तो है ना। तो कह रहे जो मिल रहा आनंद वो छोड़ के जो परोक्ष ईश्वर है उसको ढूंढने जाए, दिमाग नहीं खराब हमारा। पर ज्ञानवान कहते हैं जो ये बिजली की चमक जैसे कभी कभी सुख मिले और चला जाए, वो सुख सुख नहीं होता है। सुख वही है जो कभी आके न जाए, वही सुख वही आनंद होता है। ब्रह्म विद्या आपको आपके उसी आनंद स्वरूप से परिचय करा देती है जिसका बोध एक बार हो जाए फिर तुम भूल नहीं सकते हो। अब तुम्हारी क्या, फिर देखो बुद्धि का अगर अधिकार नहीं है, बुद्धि समता में नहीं है, योग के द्वारा एकाग्रता अगर नहीं करी है, मन में वैराग्य नहीं और विषय वासना अधिक भरी पड़ी है, तो ये ज्ञान का बीज सुन करके भी कुछ खास काम तुम्हारा नहीं होने वाला। किसान को जमीन भी तैयार करनी पड़ती है, फिर किसान बीज डालता है। अब हम किसान की तरह ज्ञान का बीज तुम्हारे मन में तो डाल रहे हैं, पर तुम्हारे मन की खेती तो तुम्हें करनी थी, वो की कि नहीं की ये तो जिम्मेदारी तुम्हारी है। अच्छा अब तुम्हारा मन बुरा था, मन तुम्हारा वासना में था, मन तुम्हारा पापी था, डजंट मैटर, तुम तो शुद्ध स्वरूप हो और कुछ नहीं, तो इतनी बात तो समझ आ ही जाएगी ना। तो विक्षेप मन के हैं, तो जब रोना आए तो रो लेना, पर अंदर से कैसे भूल जाओगे इस बात को कि आनंद स्वरूप तो मैं ही हूं। ये मन बेवकूफ बन गया, फिर से मन पागल है, मन फिर गलती कर रहा है, मन फिर गलती कर रहा है, मन फिर विक्षेप में चला गया, पर मैं तो आनंद स्वरूप। अब ये बात निश्चय में बैठ जाए, अपरोक्ष दृढ़ अपरोक्ष हो जाए अगर, तो मौत का डर है, बीमारी का डर है, हाय हमें कोई छोड़ नहीं जाएंगे, हम अकेले कैसे रहेंगे, ये पीड़ा आएगी मन में। ये है ज्ञान के सागर की लहरें जो दुख शोक विक्षेप सब दूर कर देता है। तो बाघ त्याग लक्षणा वृत्ति से इस बात को समझ लीजिए, तत्त्वम् असि इति वाक्यम तदर्थवा परोक्षत्वा अपरोक्षत्वा आदि विशिष्टा चैतन्य एकत्वा लक्षणस्य। वाह भाई वाह, दूर है कि पास है, बोलो दोनों छोड़ो, दूर पास मन से होता है, मैं मन ही नहीं। मैं मन का दृष्टा, मैं मन का साक्षी, मैं मन का जानने वाला। दूर पास कुछ नहीं। अविरुद्ध बात है ये। कौन सी बात अविरुद्ध है? देखिए रामायण में बहुत सुंदर आता है, कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। रामायण भक्ति का ग्रंथ है तो भी सत्य को तो कहना ही पड़ेगा ना, जैसा है उसको कैसे छुपा लोगे। जीव चेतन स्वरूप है, अविनाशी है। पर भक्ति मार्ग यहाँ इतने हिस्से को बड़ी जोर से पकड़ लेता है कि ईश्वर का अंश है जीव। क्या कहता है? ईश्वर का अंश है जीव। तो ईश्वर माता पिता हो गया और जीव उसका बच्चा हो गया। लेकिन वेदांत क्या कहता है? क्यों, कौन किसका अंश? ऐसे समझो रात स्वप्न में जो तुमने अपने ही आप को देखा और अपना ही जैसा परिवार और आसमान और धरती और सब कुछ तुमने देखा, उस स्वप्न के अंदर जितने शरीर तुमने देखे वो तुम ही बने थे। वहां जो पहाड़ बना था वो भी तुम्हारा ही मन था, जो आसमान सागर जमीन नदी देखी वो भी तुम्हारा ही। अच्छा उसमें गुरुजी दिखे वो भी तुम्हारा ही मन, उसमें मंदिर देखा, ईश्वर देखा, मूर्ति देखी तो वो भी, तुमने सुना था ईश्वर प्रकाश रूप है और स्वप्न में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। मुझे याद आ रही है माया देवी ने ऐसी ही बात मुझे सुनाई थी। कहती जी मैं अपने गुरु महाराज की दी हुई साधना में बैठी, ऐसी सूरत जगी, प्रकाश ही प्रकाश हो गया, प्रकाश ही प्रकाश हो गया, आनंद आ गया। पर हुण नहीं हुंदा, अब नहीं होता, पहले हुआ था अब नहीं होता। तो भगवान पहले तो लभ गए सीगे, हुण क्यों नहीं लभदे पए? मैं क्या माता जिहड़ा पहला दिखिया सी वो भी भगवान नहीं सी, तू किन्नू भगवान मान के बैठ गई सी? वो भगवान था ही नहीं जिसको तू भगवान समझ के बैठ गई।